दिखा। क्या खुशबू है। क्या बात है। ए, हैं? ए, तुम कौन हो? हाँ? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? हाँ? मैं देख रही थी। बॉस का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई है? हिम्मत कैसे हुई? अरे मैडम इसलिए गुस्सा है कि मैंने उन जैसी खूबसूरत लड़की पर टेस्ट नहीं किया है ना। हेलो अर्जुन, मैं मार्केट में हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? एक आदमी मुझे छेड़ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। 15 मिनट में आता हूँ। हे तुम लोग ऑटो ले लेना। कहाँ जा रहे हो? अनु को कोई छेड़ रहा है, मैं देख कर आता हूँ। अभी तो तू उसे गाली दे रहा था और अब उसी की मदद करने जा रहा है। अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे पापा को फोन कर देगी और मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा। तुमने उनका मजाक उड़ाया और अब लड़ाई करने की सोच रही हो। अर्जुन आएगा। आ गया। एक दो तीन चार, वो गिन रहा है, अब देखना। 6 7 10। तुमने तो कहा था एक ही है, ये तो बहुत लोग हैं। जिसके कपड़ों पर फूल बनाया ना, उसने मुझे छेड़ा और बाकी सब उसके दोस्त हैं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? जाओ उन्हें मारो। पागल हो गई हो क्या? मैं अकेला और वो इतने सारे लोग, कैसे मारूंगा मैं? बोला था ना। ओ भाई बात खत्म होगा कि नहीं, हमें उन्हें छेड़ना भी है। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, उस काले कलूटे को एक बार तो मारो प्लीज। जिद मत करो अनु, अगर कीचड़ में पत्थर मारोगी तो खुद पर भी उड़ेगा। चलो यहाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें सर्फ एक्सेल से धो दूंगी। प्लीज अनु प्लीज, मेरी प्लीज। बात सुनो, ये सेफ नहीं है। चलो यहाँ से। अर्जुन मैं बोल रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। ए, ये तो इसे ले जा रहा है। चलो। ए लड़के, तुमने कहा था मार खिलाओगे। अनु नहीं, क्या वो डर गया या फट गई उसकी? अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। बड़ा ओए चॉकलेट बॉय, तेरे बस की नहीं है वो, फट्टू है क्या? उसे यहीं छोड़ दो ताकि हम उसकी मजे ले पाए। अब देखो। क्या इसने ही मुझे चैलेंज किया था? हाँ ये वही था। तो यही था। इसी ने मुझे बैट से मारने की कोशिश की थी ना? हाँ वही था। लेकिन बैट कहाँ है? अब मारना। वो मैं नहीं था, उसने बैट से मारने की कोशिश की। की थी? अबे उसने तुम्हें चैलेंज किया था। इसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कब कहा था? उसने कहा था। हाँ इसने कहा था। फिर तो सबको पीटना पड़ेगा। वापस खड़ा क्यों हो गया? वो गलती से हो गया। अर्जुन वो वहां है, मारो उसे। मारो उसे, बैंड बजा दो इसकी। प्लीज सर, प्लीज सर, मरना नहीं, मरना नहीं। क्या मारा?
वापस खड़ा हो गया तू? खड़ा हो गया, सॉरी सर, हमें मारना बंद करो, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर चले जाओ। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, दोबारा बोला तो तोड़ दूंगा। मैंने उसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड बोला इसलिए मुझे मारा। हटो यहाँ से। तुम सही थी, वो मुझे दोस्ती के जैसे ट्रीट नहीं करता क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पैसे मिलने के बाद भी हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन लड़की मिल जाने के बाद जॉब जरूर करते हैं। टीसी लिया? मैंने सुना रिकाउंटिंग रिजल्ट आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। उसने ऐसे क्यों बात किया? वो टेंशन में होगा। हाय सर, मैं मीना, फर्स्ट ईयर। हाँ, ये ये ये। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं अपने टीसी और रिकाउंटिंग के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। अब देखो जरा टेंशन, हम आपको बहुत मिस करते हैं सर। सच में? तो नंबर ले लो, जब भी मिस करोगी कॉल कर देना। 9849015457। लेकिन भाई तेरा क्रेज कम नहीं हुआ? हाँ मैम। अपना फोन दो, बहुत मिस हो ना मैम, इसीलिए नंबर लिया ना। चलो यहाँ से। ए, रिजल्ट्स आ गए। अरे क्या है यार ये? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या उसने मार्क्स दिए? पता नहीं कोई मेरे मार्क्स पर विश्वास करेगा या नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, रीकाउंटिंग में इतने सारे मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं? उसने पहले तुम्हें 56 और बाद में फिर 70 मार्क्स दिए। ये मिरेकल है अंकल, इसके एक सब्जेक्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसीलिए तो विश्वास नहीं हो रहा है। अंकल ये एग्जाम देते वक्त टेंशन में था, इसलिए एडिशनल पेपर बांधना भूल गया, इसके लिए फेल हो गया। तो उन्हें खोए हुए पेपर्स मिल गए और उन्होंने मार्क्स दे दिए। मार्क्स तो काफी आए हैं। तो तुम्हें पेपर को ठीक तरीके से टाई करना भी नहीं आता है? अब आप इस बात पर भी डांटेंगे? हाँ। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, आपको खुशी होने के बजाय आपको दुख हो रहा है कि मैं पास हो गया। अब क्या हुआ बे? कांग्रेट्स। आपने मेरी बेइज्जती की थी, वो भी एक बच्चे के सामने। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं। माफ कर दे बेटा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। मुझे तेरे पर गर्व है ना। मेरी बात सुन, ये लो। पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेना। ए, बड़े लोग अगर प्यार से कुछ देते हैं तो उसे ले लेना चाहिए, मना नहीं करते। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अब स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। अरे सब इतने खुश क्यों हैं? हमारा अर्जुन रिकाउंटिंग में पास हो गया और तो और नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। चलो उन्होंने पैसे लेकर काम कर दिया है। पैसे? कैसे पैसे? मतलब आंटी की रिकाउंटिंग की फीस बर्बाद नहीं हुई ना, ये कह रहे हैं। सही कहा डैड, उसे जीमेट देने बोलो ना। नहीं मैं जीमेट नहीं देने वाला। नहीं बेटा, जीमेट कर लेना मेरे लिए प्लीज। ठीक है, प्लीज, सिर्फ आपके लिए करूंगा। अर्जुन एग्जाम देगा तो मैं भी। अनु नहीं अंकल, करने दो ना इसे, क्यों मना कर रही हो, होशियार लड़की है। मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए और ये पढ़ाई करना चाहती है। ओके चलो एक चीज करते हैं, मैं अब्रॉड में रहने वाले लड़के को खोजूंगी, उससे शादी कर लेना, फिर वहाँ जाकर खूब पढ़ना। बकवास बंद करो। ए अनु वेट, अनु जाने से पहले सुनो तो सही। उसे रोता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसको सैडिज्म बोलते हैं। आई लाइक इट। बस हो गया, जीमेट के लिए पैसे जुटाओ। इतने पैसे क्यों चाहिए? नहीं बताऊंगा तो नहीं देंगे आप? ऐसा नहीं है, इस महीने बजट थोड़ा टाइट है। रुको मैं सरिता आंटी से उधार ले लेती हूँ। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए, मैं चलता हूँ। अरे मुझे कुछ पैसे नहीं मिले यार, तुम्हारा साला। पैसे लिए बिना मानेगा नहीं, वो बिजनेसमैन है वो। तुम लोग ही कोई इंतजाम करो ना। मैंने इतने लोगों से उधार लिए हैं कि अब सिम कार्ड चेंज करते फिर रहा हूँ, अब क्या करें। ए, अनु आ रही है। अर्जुन ये क्या है? मैंने सुना तुम्हें पैसे चाहिए। अरे ले ले यार, ले ले। थैंक्स बोलो। थैंक्स। बी केयरफुल। क्यों? जब तुम इतना ज्यादा अमाउंट ले रहे हो तो ये भी बता दो कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना।
मुझे समझ आ गया तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो बी केयरफुल। अनु है तो अच्छी लड़की यार। ये लीजिए सर, ये एग्जाम लिखेगा, ये इसका 1000वां एग्जाम है, गुड लक बोलो। क्या क्या ये? मुझे स्वीटी को पूछना है। मेरे जैसे लग रहे हैं ना? अबे किस एंगल से तेरे जैसा दिख रहा है? भैया ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखेगा, ये लीजिए खाइए, चलिए 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 चलिए, ऑल द बेस्ट। मुझे टेंशन हो रहा है यार। पेपर टफ था भाई, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया। एक और एग्जाम लिखने जाना है। हा? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हैप्पी जी मेट। रे चिंटू, रे। जब वो बच्चा था स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लाया है, ग्रेट ना? मुझे विश्वास है, रुको, मुझे विश्वास है तुम अर्जुन का अच्छा ख्याल रखोगी। ओके वेरी नॉटी। वो मेरी गोद में सुसु कर देता था। अनबिलीवेबल स्कोर, वेरी रेयर। उसका लक अच्छा चल रहा है आजकल। मेरी फोर्थ बर्थडे पार्टी के बाद पहली बार पापा ने इतनी बड़ी पार्टी दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो खुश है, लेकिन ये मैं खुद के दम पर नहीं कर पाया। मैं जब भी ये सोचता हूँ, भूल जा यार। सर आइए ना सर। वाह ये तो कमाल का लग रहा है। ये सब आपके लिए ही है सर। चलिए मैं अपने पापा से मिलवाता हूँ। पापा मिस्टर सर्वेश, मैं इनके कोचिंग सेंटर की वजह से ही आज फर्स्ट आया। मिलने के बाद अच्छा लगा आपसे। ड्रिंक क्यों नहीं लेते बेटा? यहाँ पर आओ। श्योर। छोड़ो मैं सबसे मिलवाता हूँ आपको। मिस्टर सर्वेश से मिलिए, मेरे बेटे के अच्छे मार्क्स इन्हीं की वजह से आए हैं, सच कह रहा हूँ। इज अ ग्रेट मैन। आइए मेरे साथ आइए। मिस्टर जॉर्ज ये है सर्वेश, मेरा बेटा इन्हीं के पास पढ़ता था, अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, इज अ ग्रेट मैन। इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ छोटे, उदास क्यों है? आपने ऐसे क्यों किया अंकल? मैंने क्या किया? आपने अच्छा मार्क्स क्यों लाया? आपको पता है आप पढ़ने से एम्प्लॉय बन जाओगे, फिर ऐसा क्यों? बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी कंपनी खोलूंगा और आपको उसमें नौकरी दूंगा, घबराइए मत। आशीर्वाद दीजिए अंकल। तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। इस इंसान की वजह से ही मेरे बेटे के इतने अच्छे नंबर आए हैं। प्लीज रुकिए, तुम यहाँ आओ, कम यार। एक और। हाँ कंटिन्यू, जा यहाँ से, कंटिन्यू सर। इनको प्यास लग रही है। मेरे पापा ने सच में बढ़िया पार्टी दी थी। अर्जुन। हाँ सोई नहीं? नहीं उदास हूँ अर्जुन। ओ। मेरी मामी से लड़ाई हुई। अच्छा। वो नहीं चाहती मैं जीमेट एग्जाम दूँ, वो चाहती है मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती अर्जुन, मुझे पढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मेरी मामी से बात करो। हे अनु, मैं कैसे? तुम क्या करोगे अर्जुन? तुम बस छोड़ के चले जाओगे? चले जाओगे? तुम रुक क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हें मिस करूंगी। You will be fine.